हेलो गाइस, आज जो बताना है SBI बैंक का डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करना। न्यू डेबिट कार्ड आने के बाद आपको पिन बनाना पड़ता। पिन बनाए तो पैसे जमा भी कर सकते, पैसे उठा भी सकते ATM से। तो कैसे पिन सेट करना, आपको कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं पड़ती, घर में बैठ के SBI ऑनलाइन से आप पिन सेट कर सकते। आपको लैपटॉप से बताएंगे, आप मोबाइल से भी कर सकते। मोबाइल पे आप डिस्टर्ब मोड ऑन करके मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक टिप विश्वजीत। एक के बाद एक स्टेप बताएंगे, पूरा वीडियो आप देखिए। चलिए शुरू करो गाइस। लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद SBI बैंक का जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का न्यू पिन कैसे सेट करना, कैसे बनाना, आपको लाइव बताएंगे। गूगल क्रोम में जाके ऑनलाइन SBI लॉगिन करके आपको बताएंगे डेबिट कार्ड का पिन कैसे सेट करना। मैं गूगल क्रोम में जाके बताएंगे। यहाँ पे गूगल क्रोम में आ गया। आने के बाद यहाँ पे देखिए SBI ऑनलाइन बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे सर्च करिए। यहाँ पे देखिए SBI ऑनलाइन बोल के लिख के मैं सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए www.onlinesbi.com बोल के लिखे सो है। ये SBI बैंक का ऑफिशियल साइट है। वेबसाइट पे आके ऑनलाइन SBI को लॉगिन करना पड़ता। यहाँ पे देखिए www.onlinesbi बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग बोल के लिखे सारे, यहाँ पे नीचे देखिए लॉगिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे लॉगिन को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग बोल के आ रहे गाइस। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते। ऑनलाइन SBI को लॉगिन करना पड़ता और रजिस्टर करना पड़ता। आपका रजिस्टर रहे तो आप लॉगिन कर सकते, नहीं तो नहीं लॉगिन कर सकते गाइस। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन SBI बोल के लिखे सो आ रहे। नीचे देखिए यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डालने के लिए बोल रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैप्चा डालना पड़ता। यहाँ पे मैं यूजर ID पासवर्ड कैप्चा डाल के आपको बताएंगे। तो यहाँ पे यूजर ID मैं डाल दे रहा हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे यूजर ID मैं डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैप्चर भी डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए लॉगिन बोल के लिखे सारे, यहाँ पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आता वन टाइम के लिए। वो OTP यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं गाइस। देखिए मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP आया मैं डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, सबमिट करिए। गाइस देखिए ऑनलाइन SBI में पर्सनल बैंकिंग लॉगिन कर लिए। करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट का डिटेल्स है पूरा यहाँ पे बताते। आपका अकाउंट कितना है, एक है, दो है, तीन है, जितना आपका अकाउंट है यहाँ पे बताते। उसके बाद जैसा आप लोन लिए से लोन का भी यहाँ पे बताते गाइस। यहाँ पे पूरा डिटेल्स मैं देख लिए गाइस। यहाँ पे देखिए ई सर्विस बोल के लिखे सारे। उसका नीचे देखिए ATM कार्ड सर्विस बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे ATM पिन जेनरेशन बोल के लिखे सो आ रहे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दे रहे। यहाँ पे देखिए यूजिंग वन टाइम पासवर्ड OTP बोल के आ रहे। दूसरा नंबर पे देखिए यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड बोल के लिखे सो आ रहे। यहाँ पे दोनों में कौन सा भी आप यूज करके आपका डेबिट कार्ड का जो न्यू पिन है बना सकते है। यहाँ पे देखिए OTP सिलेक्ट करे तो यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आता वन टाइम पासवर्ड बोल के आता, यहाँ पे सबमिट करना पड़ता। सबमिट करे तो आप दूसरा पेज पे चला जाते। तो मैं प्रोफाइल पासवर्ड देके आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे जो है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड बोल के लिखे सारे, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड क्या है उसका भी जानकारी होना बोले तो मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो है प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना, कैसे चेंज करना। यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियो है टैक टिप विश्वजीत, आप सर्च करके देख सकते हैं प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना है, मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो है। यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पासवर्ड बोल के लिखे सारे, मेरा जो प्रोफाइल पासवर्ड है यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए।
सबमिट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका जितना अकाउंट है, 1, 2, 3 जितना आपका अकाउंट है यहाँ पे बता देता, अकाउंट नंबर के साथ बताते। जैसे आपका 2-3 अकाउंट है, उन सा अकाउंट का डेबिट कार्ड का पिन सेट करना यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। मेरा एक ही अकाउंट है, यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर के साथ आ गया, यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर पे टिक आ गया। यहाँ पे अकाउंट नंबर एक बार पूरा चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद कंटिन्यू बोल के लिखे सारे कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का शुरू का 4 नंबर बताते, लास्ट का 4 नंबर बताते, बीच का नंबर नहीं बताते। तो आपके पास डेबिट कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड का नंबर एक बार चेक कर लीजिए, कौन सा डेबिट कार्ड है। मेरा जैसा एक ही अकाउंट है बोले तो मेरा एक ही डेबिट कार्ड आ रहे। जैसे आपका 2-3 अकाउंट है तो यहाँ पे 2-3 अकाउंट का डेबिट कार्ड यहाँ पे बताते। मेरा यहाँ पे एक ही डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, एकदम नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद गाइस देखिए ए पेज पे आ जाते हैं। ए पेज पे आने के बाद अब 2 नंबर यहाँ पे डालना, आपका मन पसंद अब जो डालना चाह रहे। डेबिट कार्ड का जो पिन सेट करते 4 नंबर रहते, 4 नंबर के जगह आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना पड़ता। आपका जो मन पसंद है, आपको जो याद रहते, हर टाइम याद रहते, वो यहाँ पे नंबर 2 नंबर डालना। आपका जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर है मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता, उसका अंदर 2 नंबर बैंक से भी जाते, तो 2 नंबर आप खुद डालना आपका मन पसंद, और 2 नंबर SBI बैंक से 2 नंबर आपका मोबाइल नंबर पे SMS पे आते। यहाँ पे मेरा मन पसंद जो 2 नंबर है यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। गाइस देखिए मैं 2 नंबर यहाँ पे डाल दिए, डालने के बाद सबमिट बोल के लिखे सारे यहाँ पे सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट करने के बाद ये पेज पे आ गए। ये पेज पे आने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया। क्या मैसेज आया आप एक बार चेक कर लीजिए। SBI बैंक से मैसेज आता, 2 नंबर आता, पहले आप जो 2 नंबर डाले वो नंबर और जो बैंक से नंबर आए 2 नंबर डाल के यहाँ पे सबमिट करना पड़ता। गाइस देखिए 2 नंबर मेरा मोबाइल नंबर पे आए, ये 2 नंबर मैसेज पे आए। देखिए ये बॉक्स के अंदर मैं जो 2 नंबर डाला था पहला वो नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। मैं जो 2 नंबर डाले थे यहाँ पे डाल दिए, और बैंक से जो 2 नंबर आया वो नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं। टोटल मिला के 4 नंबर हो गया। आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का पिन 4 डिजिट का रहते, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे हो गया। डालने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा जो डेबिट कार्ड मेरा न्यू घर पे आए डिलीवरी हुआ, वो डेबिट कार्ड का पिन मैं घर पे बैठ के बना लिए। कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, बैंक पे जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं ऑनलाइन SBI लॉगिन करके गाइस यहाँ पे देखिए न्यू ATM पिन नंबर हैज बीन अपडेट सक्सेसफुल बोल के यहाँ पे लिखे सो आ गया। तो अब जो न्यू ATM कार्ड आपका घर पे आए, पिन सेट करने का को लाइव बताया। आप पिन चेंज भी कर सकते, जैसा आप डेबिट कार्ड बहुत दिन से आप यूज नहीं कर रहे, डेबिट कार्ड का पिन भूल गए, पिन चेंज भी कर सकते, न्यू डेबिट कार्ड का पिन बना भी सकते। आपको एक के बाद एक स्टेप बताया कैसे डेबिट कार्ड का पिन सेट करना, कैसे पिन बनाना पूरा आपको बताया। दूसरा वीडियो में SBI बैंक का जो स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते उसके लिए भी एक वीडियो लाएंगे। SBI बैंक का बैंक स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया SBI बैंक का डेबिट कार्ड का पिन कैसे बनाना, एक का बाद एक स्टेप आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।